नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं नगरी मीडिया का खास बुलेटिन खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राठौड़ ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए हाल ही में चूरू से सांसद बने राहुल कसवा पर जमकर कटाक्ष किया। राठौड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव की हार को हम स्वीकारते हैं, हम हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं। हार की नतीजे नजर लेते हुए राठौड़ ने कहा कि हम सेवा का काम करेंगे। इस दौरान राठौड़ के साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झगड़िया, विधायक हरलाल सारण सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, इसके अनेक समीकरण बनते हैं। समीकरण के आधार पर हार जीत क्या होती है, यह कहना है सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेंद्र सरस्वती का। उन्होंने राहुल कसवा के टिकट काटने से पार्टी को नुकसान की बात की गई है। साथ ही यह भी कहा कि वसंत राजे यदि पार्टी का चुनाव करती तो पार्टी को फायदा होता। इसके साथ ही सुमेंद्र ने अपने साथ ही पहले चरण में हारी 8 सीटों पर का जिम्मेदार कम वोट ठहराया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दिलावर ने भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को खुद को हिंदू नहीं मानने वाले बयान पर की गई टिप्पणी को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोहत ने पलटवार किया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रोहत ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें अपनी DNA जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मदन दिलावर को मानसिक दिवालिया करार दिया है। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार देर रात सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में हुई सांप्रदायिक तनाव को लेकर शनिवार को कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। झालावाड़ जिला कलेक्टर राजेश सिंह राठौड़ ने बकरी थाने में रजिस्ट्रों के बारे में नियमित जांच कर समय समय पर संधारित रजिस्टर में नोट अंकित करने के निर्देश थानाधिकारियों को दिए हैं। मालखाना का भौतिक सत्यापन करवाने एवं पेंडिंग माल का शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश भी दिए हैं। वही जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बकरी थाने में पेंडिंग वारंटों का निस्तारण करने आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में शस्त्रों के अंतिम स्रोत तक पहुंचकर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने हनुमानगढ़ जिले के रावसर में 7 पिकअप गाड़ियों से 250 क्विंटल लकड़ी जब्त की है, जिसमें प्रतिबंधित खेतरी की लकड़ी भी शामिल है। रावसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप शर्मा के अनुसार 7 पिकअप वाहनों को सीज किया गया है, जिनसे 250 क्विंटल लकड़ी बरामद हुई है। लकड़ी माफिया रावसर क्षेत्र में पेड़ों को काटकर हरियाणा ले जा रहे थे, जिस पर वन विभाग रावसर ने कार्रवाई कर वन अधिनियम में मामला दर्ज किया है। राजस्थान में बड़ी कारोबारी मेघराज सिंह रॉयल के अलग अलग ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है। CBI टीम ने जयपुर में ग्रुप के 200 फीट बाईपास स्थित ऑफिस समेत 14 ठिकानों पर रेड मारी है। इनमें मेघराज सिंह के घर सोमू सर्किल स्थित ऑफिस, टोंक रोड पर स्वाई माधोपुर नागौर स्थित ऑफिस शामिल है। टीम डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। अभी टोंक के धांधली बद्री नाके पर CBI की कार्रवाई चल रही है। टोंक जिले में बनास नदी क्षेत्र में बद्री ऑफिस में CBI की टीम दस्तावेज सर्च कर रही है। टोंक में ही नेशनल हाईवे 52 पर दूनी थाना क्षेत्र टीम सर्च कर रही है। वहीं सवाई माधोपुर स्थित चौक बरवाड़ा में SR एसोसिएट ग्रुप के नाके पर CBI की टीम पहुंची है। हालांकि मेघराज सिंह का कहना है कि मुझ पर और मेरे किसी भी ऑफिस से CBI की जांच नहीं हुई। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को NTA की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने की ओर पारदर्शिता लाने के 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन और IIT कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्ण इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। नीट एग्जाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी NTA के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। झारखंड में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण सिर्फ लेवल 1 में ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में होने वाली भर्ती परीक्षा को महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही है। तो सिर्फ स्कूली बच्चों को टीचर गुरु में माँ की तरह प्यार मिल सकेगा, वहीं महिला शिक्षकों को सम्मान भी बढ़ेगा। इसी सोच के साथ हमने यह फैसला लिया है। जयपुर के सांगनेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आज सुबह 4:30 बजे भीषण आग लग गई। धुएं के बीच 50 से ज्यादा महिला और बच्चे फंस गए। घाटघाट से 2 दमकल की मौके पर पहुंची, इसके बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सुबह करीब 7 बजे आग पर काबू पाया गया। जांच में सामने आया कि AC में शॉर्टकट सर्किट होने के कारण यह आग लगी है। तो यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर इसी तरह की अन्य खबरों के साथ दोबारा रूबरू होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।